नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में एक ही चरण में मतदान होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर है बल्कि आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से सचिन पायलट टोंक से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट यहां पर बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए भी। जी हां, राजस्थान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देखा जाए तो मैदान में बहुजन समाज पार्टी से लेकर अब आरएलपी और वहीं एएसपी भी है और साथ ही साथ यहां पर आम आदमी पार्टी भी काफी एक्टिव हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर मोर्चा ही खोल दिया है सचिन पायलट के गढ़ में टोंक में। जी हाँ, जानकारी दे दें कि बीती रात ही टोंक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। यह आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद मुन्ना केसरी के यहाँ पर आयोजित हुआ था। टोंक में अल्पसंख्यकों, सामान्य मतदाताओं और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं में पायलट के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसी का नतीजा है जहां उनके टिकट मांगने वाले 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी अब तक कांग्रेस के कार्यक्रमों और बैठक से गायब नजर आए और इसी के चलते मुन्ना केसरी ने रविवार को आप प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में अपनी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन करा दी। दूसरी ही तरफ देखा गया कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने पायलट के सामने अपने उम्मीदवार को उतारते हुए यहां पर सवाल रख दिया। दरअसल यहां पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि पार्टी किसी स्थानीय नेता को टोंक में पायलट के सामने और जोधपुर में अशोक गहलोत के सामने उम्मीदवार बनाएगी और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी क्योंकि राजस्थान की जनता के सामने हमारा लक्ष्य एक विकल्प देना है। उन्होंने टोंक में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वालों का स्वागत किया और पार्टी की विचारधारा के अनुकूल कार्य करने को प्रेरित भी किया। यहां पर देखा गया कि मुन्ना केसरी ने बात रखी कि पायलट बाहरी उम्मीदवार हैं जिन्हें टोंक की कोई परवाह नहीं है। कोरोना काल सहित पूरे 5 साल अल्पसंख्यकों और टोंक की जनता पर जुल्म होते रहे पर जनता की परवाह करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने स्थानीय उम्मीदवार की मांग की थी और अब हम स्थानीय उम्मीदवार के साथ ही मेहनत करेंगे। इस तरह से यहाँ पर टोंक जो हॉट सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी और चुनौती देते हुए नजर आए हैं अब वह यहाँ पर कांग्रेस खेमे को और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी। मालूम हो कि बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी को प्रभारी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से और यहाँ पर गुर्जर समुदाय और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की वह पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए राजस्थान में जो 200 विधानसभा सीटें हैं, आखिरकार इन 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस एक बार फिर से बाजी मारती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, आखिरकार यहां पर बीजेपी एक बार फिर से दावपेच खेलने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इस वक्त राज्य में कांग्रेस की ही सरकार सत्ता में बनी हुई है। देखना होगा 3 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे कौन सी पार्टी जीत बोलती हुई नजर आएगी और सचिन पायलट जो एक बार फिर से टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं क्या वह अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस को ला पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।